हेलो किड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ रजनी। मैं आपकी क्लास टीचर रजनी। आप बताइए बच्चों कैसे हो? देखिए बच्चों, आज आपका टर्न है हिंदी इंग्लिश जीके का। और सबसे पहले हम आपको हिंदी में रीडिंग कराएंगे, जैसे कि हमने आपको पहले भी रीडिंग कराई थी, है ना? तो बेटा आप हिंदी की बुक निकालिए और उसमें चैप्टर निकालिए, पेज नंबर 21। ओके, पेज नंबर 21 निकालिए, उसमें निकालिए, आप पढ़िए। देखिए जैसे मैं एरो रखती हूँ, उसमें आपको एरो को ध्यान में रखना है, तो आपको एरो के साथ अपनी फिंगर रखनी है। ओके, अपनी फिंगर रखनी है। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, फिंगर रख रख कर पढ़ेंगे, प्लस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना? जब आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तभी तो आप अच्छे से वर्क कर पाओगे ना, है ना? तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, उसके बाद में हमें जो है, जैसे जैसे मैं एरो रख रख कर रीडिंग करूँगी, वैसे ही आपको फिंगर रख रख कर ही ऐसे स्टेप बाय स्टेप रीडिंग करनी है मेरे साथ। ओके, तो बोलिए बच्चों, पेज नंबर 21 निकालना है आपको। ओके, तो देखिए बोलिए, क न क, कनक, च प त, चपत, स फ ल, सफल, ल प ट, लपट, र प ट, रपट, झ प ट, झपट, ख ब र, खबर, श ह द, शहद, ए म र, अमर, फ स ल, फसल, न य न, नयन, ग ग न, गगन, प व न, पवन, क ल श, कलश, भ व न, भवन, ब द न, बदन, न म क, नमक, क म र, कमर, र ब ड, रबड़, ल ह र, लहर। ओके बच्चों, अब इसके बाद देखिए, ए ज य, अजय, है व न, हवन, क र कर, स ड क, सड़क, प र पर, म त मत, टहल टहल, सड़क पर मत टहल, मैं ग र मगर, मैं त मत, प क ड पकड़, क ल श कलश, र ख रख, क र कर, न म न, नमन, क र कर, ग ग न, गगन, ब त ख बत्तख, म त मत, प क ड पकड़, ए म र अमर, ब ट न बटन, र ख रख, है व न हवन, क र कर, व स फ ल सफल, व न बन, क प ट कपट, म त मत,
कर। देखिए बच्चों, जैसे कि आपने पहले दो वर्णों वाले शब्द पढ़े थे, है ना, टैब है टब, कैर है कर, नैल है नल, पैर है पर, जल है जल, हैल है हल, फैल है फल, बैस है बस, नट है नट, है ना। तो अब हम कर रहे हैं तीन वर्णों वाले वर्ण, तीन वर्णों वाले शब्द। ओके, अब आपने दो पढ़ने सीख लिए, अब आपको तीन वर्ण मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। अभी तक तो आपने दो वर्णों के शब्द बनाए थे, अब आपको तीन वर्णों के शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था, हम एक बार फिर से पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ओके, तो मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे, कै ने कै, कनक, च प त, चपत, स फ ल सफल, ल प ट लपट, र प ट रपट, झ प ट झपट, ख ब र खबर, श ह द शहद, म र अमर, फ स ल फसल, न य न नयन, ग ग न गगन, प व न पवन, कैलश कलश, भव न भवन, बद न बदन, न म क नमक, क म र कमर, र ब र रबड़, ल ह र लह, अज य अजय, ह व न हवन, क र कर, स ड क सड़क, प र पर, म त मत, ट ह ल टहल, म ग र मगर, मैं ते मत, पै कैड़ पकड़, मगर मत पकड़, कैलश कलश, रख रख, कैर कर, न मैं नमन, कैर कर, कलश रख कर, नमन कर, गै गै न गगन, बै तैक बत्तख, मैं ते मत, पै कैड़ पकड़, गगन बत्तख मत पकड़, ऐ मेरे अमर, बैठन बटन, रख रख, अमर बटन रख, है वैन हवन, कैर कर, वह स फैल सफल, बैन बन, हवन कर, वह सफल बन, कै पैट कपट, मैं त मत, कर कर, कपट मत कर। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा किस तरीके से मैंने रीडिंग की है, और आप सभी बच्चे वीडियो को देखें और मेरे साथ बोले इसी तरह से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको वर्क कैसे करना है, आपका होमवर्क जो है वो नोटबुक में आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप क्या बताती हूँ मैं, सबसे पहले आपको डेट डालनी है। ओके, तो डेट क्या है बच्चों, आज 23। ओके, 23 डेट है आज। उसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे विषय हिंदी, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या आएगा, होमवर्क। ओके, अब देखिए, फिर हम यहाँ पर डालते हैं तीन वर्णों के शब्द, तीन वर्णों के शब्द जो हमें अपनी बुक से देखकर लिखने हैं, अपनी नोटबुक में, ठीक है। कितने वर्ण लिखेंगे हम, तीन वर्णों के शब्द हम कितने लिखेंगे, 10, ठीक है, 10 शब्द लिखने हैं हमें। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके, तो इस तरह से हम लाइन बना लेंगे और तब लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला हमारा हो गया, मैं गैर है मगर, ड गैर डगर, फैसल फसल, है वैन हवन, न मैं क नमक, न यन नयन, ठीक है ना, इसी तरह से आपको करने हैं। ओके, कैलश कलश, ठीक है बेटा, भय वैन भवन, भय गैत भगत, नह, ठीक है बेटा,
इस तरह से आपको ये 10 वर्ड्स लिखने हैं। 10 शब्द आपको अपनी हिंदी की कॉपी में, अपनी हिंदी की नोटबुक में आप लिखेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, जैसे आप इधर तो डालेंगे, आप इधर तो डालेंगे ये नंबर्स। ओके, देखिए यहाँ तो डालेंगे आप नंबर्स पहली वाली लाइन में, फर्स्ट वाले, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या डालेंगे, आप यहाँ पर आप लिखेंगे। ओके, बिल्कुल सफाई से लिखेंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे। ठीक है बेटा, यही आज का आपका होमवर्क है। सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है, ठीक है, पढ़िए। ओके, तो सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है और उसके बाद आपको इस तरह से आपका होमवर्क नोटबुक में करना है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे, हिंदी के बाद आपका क्या आता है, इंग्लिश। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम करेंगे इंग्लिश की रीडिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, कौन कौन बच्चा मेरे साथ पढ़ेगा, कौन कौन बच्चा मेरे साथ पढ़ेगा, सभी बच्चे, वेरी गुड। अब देखिए, फोनिक पैरोट्स। ओके, तो ये पैरेट्स जो हैं वो आपको एक साउंड बता रहे हैं, है ना, ईट ईड ईप और इन, तो इनका आपको साउंड सुनाई देगा। ठीक है, जब जैसे कि आप पढ़ेंगे तो आपको साउंड की आवाज़ आएगी, जैसे कि BIT बीट, KID कीड, DIP डीप, BIN बिन। ओके, तो इसमें आ रहे ना अलग अलग साउंड, सबसे पहले वाले में क्या आ रहा है, ईड, दूसरे में ईड, तीसरे में ईप और फोर्थ में, लास्ट में इन, है ना। तो उसी तरह से आपको मेरे साथ ये वर्ड बोलने हैं और उसी तरह से साउंड भी निकालने हैं, और तब आप देखेंगे कि आपके साउंड में कितना अलग आवाज़ आएगी, अलग अलग हर वर्ड की बिल्कुल अलग आवाज़ आएगी। ओके, तो आइए, आपका क्या चल रहा है, ये आपका चल रहा है साउंड ऑफ आई। ओके, वोवल्स नेम, है ना, तो वोवल नेम मैंने आपको बताए थे, कितने वोवल नेम होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ओके, तो ये आपके वोवल नंबर हैं, इसमें मैंने आपको ए करा दिया, ई करा दिया, और अब क्या चल रहा है, आई। ठीक है, साउंड ऑफ वोवल आई। ठीक है बच्चों, जिसमें हमने कल रीडिंग भी की थी लास्ट वाली वीडियो में, है ना, तो अब हम उसके आगे का वर्क आपको करा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा और मेरे साथ बोलिएगा। ठीक है, सभी बच्चे रेडी हैं, गुड, तो मेरे साथ बोलेंगे, ओपन योर बुक इंग्लिश पेज नंबर 22, BIT पी, BIT बी, SIT सी, PIT पिट, HIT हिट, KIT किट, LIT लीट। ओके, KID कीड, HID हीड, LID हीड, लीड, BID बीड, DID डीड, MID मिड। ओके, DIP डिप, SIP सिप, NIP निप, ZIP जिप, GRIP ग्रीप, KIP किप, BIN बिन, PIN पिन, TIN टिन, SIN सिन, WIN विन, FIN फिन। ओके, तो आपको मेरे साथ बोलना है, फिर से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखा करो बच्चों, जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे वीडियो को तब तक कुछ नहीं होगा, ना आपके समझ में आएगा और ना ही आप रिटिन वर्क कर पाएंगे, ना ही आप ओरल वर्क कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है वीडियो को और मेरे साथ साथ बोलना है। ओके, तो बोलिए बच्चों, BIT बिट, SIT सिट, PIT पिट, HIT हिट, KIT किट, LIT लिट। ओके, KID कीड, HID हिड, LID लिड, BID बिड,
डी आई डी डिड, एम आई डी मिड, डी आई पी डिप, एस आई पी सिप, एन आई पी निप, जेड आई पी जिप, जी आर आई पी क्रिप, के आई पी किप, बी आई एन बिन, पी आई एन पिन, टी आई एन टिन, एस आई एन सिन, डब्ल्यू आई एन विन, एफ आई एन फिन। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको यह ओरल करना है, यह आपका ओरल वर्क है, और आप मुझे ओरल वर्क भी अपना भेजा करिए ऑडियो के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रीड अलाउड। अ बिग टिन, एक बड़ा सा टीन, ओके। अ पिन इन अ बिन, बिन किसे बोलते हैं, जो हमारा डस्टबिन होता है उसमें एक क्या है, पिन है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अ फिश इन अ डिश, ओके, अ फिश इन अ डिश। तो ये क्या है, यहाँ पर मछली की डिश है, ओके। अ फैट पिग, एक मोटा सुअर, ए फैट पिग। तो पढ़िए मेरे साथ, ए बिग टिन, ए पिन इन अ बिन, ए फिश इन अ डिश, ए फैट पिग, ओके। तो ये है आपका बच्चों ओरल वर्क, ओके। आप रीडिंग वर्क देखिए। रिटिन वर्क में आपको क्या करना है, रिटिन वर्क में आपको बच्चों सबसे पहले अपनी इंग्लिश वाली नोटबुक निकालनी है, उसमें लिखना है डेट। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, डेट, ओके। डेट सभी बच्चों को डालनी आनी चाहिए, ठीक है बेटा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं होमवर्क, क्योंकि आपका होमवर्क है ना होमवर्क, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, साउंड ऑफ आई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 10 words लिखने हैं, ओके। तो यहाँ पर हम पॉइंट डाल देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी बच्चे, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, बी आई एन बिन, टी आई एन टिन, के आई टी किट, डी आई डी डिड, ठीक है। सभी बच्चे देख रहे हैं बिल्कुल ध्यान से, पी आई जी पिग, एफ आई जी सॉरी एफ आई एस एच फिश, एफ आई जी फिग, एन एन आई पी सो चलिए बच्चों हम दोबारा से बताते हैं, चलिए बेटा हम फिर से बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, डेट। अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे होमवर्क, ठीक है बेटा। और फिर हम यहाँ पर डालेंगे आपकी हेडिंग, साउंड ऑफ आई, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। इसके बाद में हम यहाँ पर डालते हैं, कितने करने हैं हमें, 10 words करने हैं ना हमें, तो हम यहाँ पर 10 words डाल देंगे, ओके।
10 वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, सभी बच्चे देखेंगे, सभी बच्चे बोलेंगे मेरे साथ। बच्चों देखिए, सबसे पहले PIN पिन, TIN टिन, ओके, PIG पिग, FIG फिग, अब देखेंगे FISH फिश, है ना, BIN बिन, DID डिड, NIP निप, ZIP जिप, है ना, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, KIT किट। ओके, तो ये आपको साउंड ऑफ आई के 10 वर्ड्स इस तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है। ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल सफाई से लिखेंगे, लाइन से लिखेंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ओके, तो समझ में आ गया बच्चों आपको कैसे करना है वर्क। सबसे पहले आपको इंग्लिश की बुक निकालनी है और रीडिंग करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नोटबुक निकालनी है, नोटबुक में आपको डेट डालनी है, ठीक है बच्चों, नोटबुक में आपको डेट डालनी है, उसके बाद साउंड ऑफ आई, फिर उसके बाद में होमवर्क 10 वर्ड्स, ओके, फिर उसके बाद में 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखेंगे, नंबर्स डालेंगे, उसके बाद में आपको वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में आकर के पूछ सकती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, GK, ओके, तो GK में बच्चों देखिए, GK में है आज आपके फेस्टिवल, ओके, तो मैं आपको कितने फेस्टिवल लर्न कराऊंगी, 5, ओके, मैं आपको 5 फेस्टिवल नेम लर्न कराऊंगी। फेस्टिवल क्या होते हैं, फेस्टिवल होते हैं आपके त्योहार, क्या होते हैं फेस्टिवल, त्योहार होते हैं फेस्टिवल, ओके, जैसे कि होली, दिवाली, और दशहरा, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, ओणम, बैसाखी, ईद, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल मीन्स त्योहार, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 पर क्या है, होली, ठीक है बेटा, नंबर 1 पर होली। मैं आपको सिंपल सिंपल स्पेलिंग देती हूँ जो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, छोटी छोटी स्पेलिंग देती हूँ मैं आपको, देती हूँ ना, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फिर दशहरा, ठीक है, इसके बाद 3 नंबर पर दिवाली, 4 नंबर पर ईद, एंड 5 नंबर पर दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, ठीक है। अब देखिए बच्चों मेरे साथ साथ स्पेलिंग बोलेंगे आप और रीडिंग करेंगे, क्योंकि ये आपको लर्न करना है, अच्छा, तो बोलिए देखिए, HOLI होली, HOLI होली, HOLI होली। अब दूसरा बोलेंगे नंबर 2, DUSSDUSSERA DHRA दशहरा, DUSSERA DUSSERA दशहरा। नंबर 2 पर क्या है, दशहरा, DUSSERA दशहरा। इसके बाद नंबर 3 पर दिवाली, DI
डब्ल्यू ए एल आई, दिवाली। दिवाली बच्चों कौन सा त्यौहार होता है जिसमें हम दीपक जलाते हैं, गणेश जी की लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना। तो ये हमारा कौन सा त्यौहार है, दिवाली। इसे हम दीपावली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डी आई डब्ल्यू ए एल आई, दिवाली। नंबर फोर पर बच्चों ईद, है ना। ईद पर हम क्या करते हैं, ईद पर हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं और एक साथ घूमते फिरते हैं, है ना। तो ये कौन सा त्योहार है, यह है ईद, ई आई डी, ईद। ओके, इसके बाद देखिए बच्चों दुर्गा पूजा, डी यू आर जी ए दुर्गा, पी डबल ओ जी ए पूजा। नंबर फाइव पर क्या है आपका, दुर्गा पूजा, ठीक है। तो ऐसे इसमें हम करेंगे, हम जीके की जो हमने नोटबुक बनाई हुई है, हम जीके की नोटबुक निकालेंगे और उसमें हम डालेंगे डेट, सबसे पहले डेट, ठीक है बेटा, इस तरह से। और हम यहाँ पर डालेंगे होमवर्क, अच्छा बच्चे। उसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं फेस्टिवल नेम, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, ओके। तो यहाँ पर हमें फाइव फेस्टिवल नेम अपने लिखने हैं, ओके, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, फाइव फेस्टिवल नेम अपने लिखने हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे फाइव फेस्टिवल नेम, क्या लिखेंगे, फाइव फेस्टिवल नेम, ओके। सबसे पहले हम लिखेंगे फाइव, फिर लिखेंगे फेस्टिवल नेम, क्योंकि हमें ये भी तो बताना है कि हमें कितना करना है वर्क, है ना। तो हम अब लिखेंगे फाइव फेस्टिवल नेम, ठीक है। इसके बाद देखिए नंबर वन होली, नंबर टू दशहरा, नंबर थ्री दिवाली, नंबर फोर ईद, नंबर फाइव दुर्गा पूजा, ठीक है। तो हम एक एक स्पेलिंग को देखेंगे अच्छे से और फिर लिखेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा एच ओ एल आई होली, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एच ओ, ऐसे मेरे साथ बोलिए बच्चों, एच ओ एल आई होली, ठीक है। और सेकंड नंबर पर क्या है, सेकंड नंबर पर है दशहरा, फिर हम दशहरे की स्पेलिंग बोलेंगे डी यू डी यू डबल एस ई एच आर ए दशहरा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर उसके बाद नंबर थ्री देखना है, नंबर थ्री पे क्या है, दिवाली, फिर हम दिवाली की स्पेलिंग बोलेंगे डी आई डब्ल्यू ए एल आई दिवाली, ओके। इसके बाद नंबर फोर पर ई आई डी ईद, नंबर फाइव पर डी यू आर ए जी ए दुर्गा पूजा, ठीक है। तो बच्चों आपको ये फाइव फेस्टिवल नेम लर्न करने हैं, ठीक है, होली दशहरा दिवाली ईद दुर्गा पूजा, ठीक है बच्चों। अगर कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। और बताइए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। मिस्टेक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाती है, हर किसी से हो जाती है, पर
फिर भी आप ध्यान रखेंगे, इरेज करके दोबारा से लिखेंगे, बिल्कुल सफाई से करेंगे, राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और ओरल वर्क करेंगे, ठीक है, और प्लस लर्न भी करते हुए चलेंगे अपने अपने वर्क को, ठीक है। थैंक यू।